तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो रियलमी नार्जो 20 प्रो सच में विनर है। साइज में भी एकदम कॉम्पैक्ट है। ग्लास बैक और पीछे की डिज़ाइन कमाल का है। दूसरी ओर सैमसंग M51 का साइज थोड़ा बड़ा दिया है, बैक प्लास्टिक का और डिज़ाइन भी कुछ खास नहीं लगता, बट सैमसंग का कैमरा बम्प ना के बराबर है। डिस्प्ले क्वालिटी सैमसंग M51 का बेहतर है, बट यह कोई रिफ्रेश रेट नहीं दिया है। दूसरी तरफ रियलमी नार्जो 20 प्रो में 90Hz दिया है, जो गेम के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों पिक्चर क्वालिटी दोनों ही फ़ोन के अच्छे निकल के आते हैं। कुछ मामले में सैमसंग M51 थोड़े बेहतर भी कैप्चर करता है और कुछ मामले में नार्जो 20 प्रो। दोस्तों कलर कंट्रेस्ट सैमसंग M51 में नेचुरल आता है और रियलमी नार्जो 20 प्रो में कंट्रेस्ट कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन देखने में रियलमी नार्जो 20 प्रो का पिक्चर अच्छा लगता है। दोस्तों डायनेमिक रेंज दोनों ही फ़ोन सेम कैप्चर करता है। दोनों ही फ़ोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, पर सैमसंग गैलेक्सी M51 का अल्ट्रा वाइड काफ़ी बेहतर है। मैक्रो पिक की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M51 में कलर अच्छी मेंटेन होता है, पर क्लियरिटी रियलमी नार्जो 20 प्रो में अच्छा रहता है। दोस्तों 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा होने के बावजूद रियलमी नार्जो 20 प्रो में एज डिटेक्शन क्लीन है। दूसरी ओर सैमसंग M51 में कुछ कुछ जगह सब्जेक्ट को ही ब्लर कर देता है। दोस्तों सेल्फी में सैमसंग गैलेक्सी M51 का पिक्चर ज़्यादा अच्छा है, पर वाइड एंगल पिक्चर रियलमी नार्जो 20 प्रो का बेहतर आता है। दोनों ही फ़ोन में 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है और किसी में भी OIS नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M51 का EIS काफ़ी बेहतर दिया है। रियलमी नार्जो 20 प्रो का स्टेबलाइजेशन कुछ खास नहीं है। दोस्तों दोनों ही फ़ोन सेम ऑटो फोकस मेंटेन करता है।